हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इजर्नर्स। यहां पर आपको सारी की सारी बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम की कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इस सेमेस्टर और अपकमिंग सेमेस्टर में भी आपकी हेल्प हो सके। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का यूनिट वन। ठीक है, इसमें हमारा यूनिट वन का जो सिलेबस है वो है हमारा रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन आवर लाइफ्स, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल कॉम्पिटेंसी ओवरव्यू, ओनरशिप फॉर्म्स, बिजनेस फॉर्मेट्स, ब्रिक्स एंड मोटर, क्लिक ब्रिक एंड क्लिक, ई कॉमर्स, फ्रेंचाइजिंग एंड आउटसोर्सिंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लार्ज और सम दैट इज कॉर्पोरेटिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्ट। कि बहुत सारे लोग मिलकर, कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, छोटा हो या बड़ा हो, और वो उस ग्रुप में क्या करते हैं कि एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ वो अंडर एक लीडरशिप के अंदर काम करते हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब एक कॉमन गोल है उनका, एक डायरेक्शन में सारा काम करते हैं। लाइक जो हमारा बिजनेस होता है उसमें हमारी जो परचेज डिपार्टमेंट, अगर मान के चले ये एज अ एग्जांपल बता रही हूँ मैं सिर्फ, तो उसमें सारे के सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं कि काम क्या करते हैं, परचेजिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है और उसकी लीडरशिप के अंदर वो काम कर रहे हैं एक सेम डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हमारा ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्सन। वही चीज़ कि हमारे कुछ लोग मिलकर एक साथ कॉपरेट करके एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। कि वही चीज़ कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट हमारा है जिसको हम पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, और उस काम में करने पे क्या कर रहे हैं, हम हर एक पर्सन को क्या कर रहे हैं, उसकी जो उसको काम करना है वो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको क्या काम करना है, और उसको एक ग्रुप में डाल रहे हैं, ठीक है। और उस ग्रुप में डालने के बाद उस ग्रुप को क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी हम उसको डेलीगेट कर रहे हैं कि ये काम है, ये काम तुम्हें करना है, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी तुम्हारी है, और इसके ऊपर जो डिसीजंस लेने हैं वो भी तुम्हारे हैं, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं हम ताकि जो हमारी जो है इफेक्टिवली हम अच्छे से काम कर पाए, ठीक है, ये हमारा मोटिव है। ऑर्गेनाइजेशन हमारा ये होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा हाउ कैन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बी क्लासिफाइड, डिस्कस गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे कौन कौन से बेसिस पे होता है। पहला बेसिस है हमारा बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उसमें हमारा पहला है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वो होता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में उनका मोटिव क्या है हमारा, कि उनको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, और वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें वो प्रोडक्शन कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है, जिससे कि ह्यूमन नीड्स हमारी पूरी हो सके और इससे वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। लाइक एग्जांपल हमारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, शॉप्स, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हो गई हमारी, ठीक है, दुकानें हो गई, बैंक्स आ गए, बैंक्स भी इसमें आते हैं, ठीक है, उसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है हमारा, ट्रैवल एजेंसीज हो गई, ठीक है, तो वो हमारी इसमें आती है। देन उसके बाद नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था उसका अपोजिट। वहाँ पे क्या था, उनको प्रॉफिट अर्न करना था, पर यहाँ पे उनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, ठीक है, वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या कर रहे थे, ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई कर रहे थे, बट नॉन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करते हैं, जो उनके ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर जनरल पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे उनका मेन मोटिव क्या है, वेलफेयर करना, कि लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है। इसमें हमारे क्या एग्जांपल्स आते हैं, हमारी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ आ गई, एनजीओज़ आ गए, ठीक है, ये हमारी इसमें आती है, और हमारी मेंबर क्लब्स होती हैं, और देखो सोसाइटी जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती है तो उसमें एक सोसाइटी फंड करके क्लब कमेटी होती है, तो वो चीज़ें, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा कौन से बेसिस पे है, पैटर्न ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उस पर ओनरशिप और कंट्रोल किसका है। तो इसके बेसिस पे हमारे दो तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्या होते हैं, जिसमें हमारे इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अपने उसमें ओन कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जिसमें हमारे कुछ इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कुछ पर्सन मिलके या एक अकेला पर्सन क्या करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है और मैनेज भी वही कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा सोलली गाइडेड होता है, और जो इंडिविजुअल्स उन चला रहे हैं उस कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, उनके वो क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए वो अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वहाँ पे उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, ठीक है, उनका मोटिव क्या होता है, हमारे पब्लिक को सर्विसेज देना, ठीक है। लाइक एग्जांपल हमारी जो सरकारी ऑफिसेज होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल हो गए,
तो गवर्नमेंट कंपनीज हो गई, तो वहाँ पे उनका वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है, मोस्टली वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है, वहाँ पे उनको क्या होता है, उनको सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे पूरे करने हैं अपने, ठीक है, मतलब सोसाइटी के लिए काम करना है, पॉलिटिकल चीज़ों में काम करना है उनको, ठीक है, और देश की भलाई के लिए, देश को इकोनॉमिक, देश के अर्थशास्त्र के लिए उन्हें काम करना है, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑपरेशन, कि जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो काम किए जा रहे हैं, एक्टिविटीज ऑपरेशन की जा रही है, वो कितने लेवल पे साइज पे की जा रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे आते हैं स्मॉल स्केल, मीडियम साइज एंड लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल स्केल होते हैं जो कि बहुत ही कम नंबर ऑफ कैपिटल, कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं और उसमें कम कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लाइक जैसे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जैसे हमारी ये किराने की दुकान होती है हमारे, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे एक बंदा कर, मतलब एक पर्सन कर रहा है दुकान, हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है एक पर्सन होता है, दो से तीन पर्सन होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे क्या है उनको कम लागत में, कम कैपिटल में उन्होंने अपना वो दुकान खोली है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होती है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि वो एक ही पर्सन है और एक ही पर्सन सारे के सारे काम अच्छे से, बहुत अच्छे से कर पाए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए वो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट की लैकिंग होती है। देन उसके बाद सेकंड हमारा कि मीडियम साइज क्या होता है, मीडियम साइज हमारा स्मॉल स्केल से थोड़ा सा बड़े बड़े स्तर पे होता है, ठीक है, और लार्ज साइज क्या होता है हमारा, जिस जहाँ पे ह्यूज कैपिटल होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है और वहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है वो प्रोफेशनल्स करते हैं, ओनर अलग होते हैं, वहाँ पे मैनेजर्स अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी बड़ी कंपनीज आती है, लाइक जैसे कि रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ठीक है, टाटा स्टील्स, ये सारी हमारी कंपनीज आती हैं इसमें। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइज, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन का हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, कि वो क्या चीज़ करता है, क्या हेल्प करता है वो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इज द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइज, कि जो ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस का बेस है, अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो एंटरप्राइज सक्सेसफुल हो पाएगी, ठीक है। तो इसी को, इसी बात को ध्यान पे रखते हुए हमें क्या बताना है, डिस्कस करना है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, देखो अगर एक एंटरप्राइज है, ठीक है, उसमें कौन लोग हैं, उसमें इंडिविजुअल्स हैं, और वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अगर बहुत अच्छे से वहाँ पे क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम वर्क अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हैं और वर्क असाइन करते हैं उनके एबिलिटी के हिसाब से, है ना। तो अगर ये चीज़ हम बहुत अच्छे से कर पाए तब जाके हमारा जो बिजनेस होगा वो सक्सेसफुल हो पाएगा। मैनेजमेंट भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा बना पाए, हम ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से कर पाए, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे हमारे मैनेजमेंट के फीचर्स और फंक्शंस होते हैं ना, पढ़ा होगा 12th पे। तो ऑर्गेनाइजिंग हमारा बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे मैनेजमेंट को, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग नहीं पकड़ पाएंगे तो हम मैनेजमेंट भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमारे एंटरप्राइज के सक्सेस में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये हम जानेंगे। पहला है हमारा फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम क्या करते हैं, देखो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम अच्छे से एक क्लियरली मेंशन करते हैं कि कौन से पर्सन को कौन सा जॉब करना है, है ना। तो कौन से पर्सन को कौन सा जॉब करना है, उसकी क्या ड्यूटीज़ है, ठीक है, उसको कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अथॉरिटीज़ है, ये हम उसको बताते हैं, क्लियरली बताते हैं। तो उसके साथ हम क्या ये भी तो बताएंगे ना कि उसको कहाँ पे हमें उसको किससे बात करनी है, उसके ऊपर जो मैनेजर है उसको किसको रिपोर्ट करना है, किसकी बातें माननी है, तो ये भी हम उसमें बताते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये हमारे बिजनेस में, ठीक है, जिससे कि हम मैनेजरियल एक्टिविटीज़ कर सके, अच्छे से मैनेज कर सके, कि कौन से पर्सन को किस पे, कौन से मैनेजर को रिपोर्ट करनी है, किसकी बातें माननी है, तो ये हम एक अच्छा मैनेजरियल फ्रेमवर्क हम वहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ये हमारा था, ठीक है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमें ये प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद सेकेंड हमारा लीड्स टू ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, कि हमारा जो क्या है कि वहाँ पे देखो हमारे जो एम्प्लॉयज है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने किया है, बहुत अच्छे से हमने जॉब किया है, मतलब वहाँ पे अगर हमने देखो सबको अपने अपने जॉब उसको असाइन किए हैं, तो उनको किस बेसिस पे असाइन किए कि वो जॉब उसको बहुत अच्छे से आता होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या है, हमें स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क हमें मिलता है, है ना। अब जब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है, वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उनसे उनको ये प्रोवाइड, उनको ये सुविधा दी जाएगी कि उनको अपने काम में हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हमें अथॉरिटी भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे उनको पूरा डिसीजन, मतलब उनको छूट है कि तुम अपने डिसीजंस दे सकते हो। जब हर कोई डिसीजन अपने अपने देगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी जो मैनेजमेंट में डिसीजन ली जाएगी वो फिर सबके क्या होता है कि अगर बहुत कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, जब हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं उस प्रॉब्लम के, तो हम उसमें से क्या करते हैं, सबसे बेस्ट सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, है ना। तो जिससे क्या होगा, वैसे ही इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में भी, कि जब सारे के सारे अपने अपने ओपिनियंस देंगे, तो उसमें से बेस्ट ओपिनियन लिया जाएगा हर एक डिसीजन मेकिंग में, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारे जो ऑपरेशन है उसके जो ऑपरेशन करने के तरीके हैं वो इम्प्रूव होंगे, है ना। जो वो काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, वो अपने और अच्छे अच्छे तरीकों से करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो तरीके इंप्रूव होंगे, तो क्या होगा, हमारी जो बिजनेस हो गई, बिजनेस में हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो होगी उसका भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और जब डेवलपमेंट होगा तो उसकी ग्रोथ भी अपने आप होगी, और जब
ग्रोथ होने लगेगी तो क्या होगा कि हमारी जो हम अपने बिजनेस में क्या कर सकते हैं, हम न्यू प्रोडक्ट लाइन ला सकते हैं, न्यू जॉब पोजीशंस ला सकते हैं, न्यू डिपार्टमेंट सेटअप कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके फिर उसके बाद थर्ड है हमारा हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को, मतलब हर एक पर्सन को हम क्या कर रहे हैं उसकी उस काम पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं कि वो बहुत ही, जिस काम में वो बहुत ही अच्छा है, तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज, वहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही हम एक्टिविटीज़ होती हैं, जॉब्स होती हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका भी हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, करते हैं, है ना। जब हमारे पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनाइजिंग किया है हमने अपने बिजनेस में, तो वहाँ पे हमारी जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास, वो हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइज होती है। लाइक अभी मैंने वहाँ पे यहाँ पे जो कौन से वाले में, ये सेकंड पॉइंट में ही बताया कि वेज इंप्रूव होते हैं, एक्टिविटीज़ के वेज इंप्रूव होंगे। तो जब वेज इंप्रूव हो रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जो रिसोर्सेज का पहले इस्तेमाल हो रहा था उससे भी और अच्छा इस्तेमाल अब हो रहा है ना, तो हमारे पास वो चीज़ है, आई समझ। देन उसके बाद हमारा फोर्थ है इनकरेजेस गुड ह्यूमन रिलेशनशिप। जब हमारे पास, जब देखो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ पे सारे के सारे जो लोग हैं वो एक जैसा काम करते हैं, ठीक है, सेम काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको उनका कम्युनिकेशन अच्छा बनेगा, ठीक है, और एक्सपीरियंस एक दूसरे से वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो वहाँ पे वो उनकी अच्छी रिलेशनशिप भी बन पाएगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो अपने से बना पाएंगे। वो क्या होंगे, जॉब से सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि उसके जो आसपास के लोग हैं वो उसी की तरह काम करने वाले हैं, तो उसको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, और फिर उससे पूछने भी आएंगे लोग, है ना। तो वो चीज़ें हैं, लाइक जैसे कि अभी तुम्हारे स्कूल से रिलेटेड मैं एग्जांपल लूँ, 10th तक क्या था, सारे के सारे जो हमारे स्टूडेंट्स थे, किसी को साइंस पसंद थी तो किसी को मैथ्स पसंद थी, किसी को एसएसटी पसंद थी तो किसी को एसएसटी पढ़नी ही नहीं थी, है ना। तो वहाँ पे ये होते थे कि भाई तू कैसे कर लेता है, मेरे से तो होती नहीं है, मैं तो कभी ना छूँ, छी मैथ्स तेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैथ्स में तो बहुत ही लोग बोलते थे, और जिनका जो फेवरेट सब्जेक्ट होता था वो मैथ्स फेवरेट होता था, उनको फिर वो गालियाँ देते थे, तो पागल है, ये है, वो है, तो है ना, ये बातें होती थी। पर जब हमारा 11th से क्या हो गया, हमारी स्ट्रीम्स अलग अलग हो गई, तो वहाँ पे क्या है, अब सबकी अपने जो सब्जेक्ट्स, उनको जो पसंद है वो उस सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद, 11th में जाने के बाद क्या होता है, सबके सब्जेक्ट सेम होते हैं, सबकी पसंद सेम होती है, इंटरेस्ट सेम होते हैं, तो वो एक दूसरे की हेल्प ज़्यादा कर पाते हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं कि तू बेकार है, मेरे साथ बात मत कर, है ना। तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, बल्कि कन्फ्लिक्ट्स कहाँ हो जाते हैं, हमारे दूसरे सेक्शन के लोगों के साथ, है ना, दूसरे स्ट्रीम के लोगों के साथ, कि भाई तू तो आर्ट्स वाला है, तो पढ़ता ही नहीं है, मैं तो साइंस वाला हूँ, ये है वो है, कॉमर्स वाले तो बैक बेंचर्स है सारे, है ना। तो ये सारी बातें होती रहती है, तो कभी भी क्लास के अंदर हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती है 11th के बाद से, है ना। तो ये रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे हमारे सेम, हमारी सबका सेम माइंडसेट होता है, ठीक है। देन उसके बाद फिफ्थ है हमारा स्टिमुलेट्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी, कि वही चीज़ है कि हमारे पास जब स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है उनके पास, तो वो क्या करेंगे, नए नए इम्प्रूव आइडियाज़ लाएंगे, ठीक है, और जब वो रिलेशन अच्छी होगी तो उनसे क्या होगा, वो मोटिवेटेड होंगे, तो उनसे वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, इनोवेशन लाएंगे वो नए नए। वहाँ पे उनको क्या होता है, अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, तो उनके पास फ्रीडम होती है अपने चॉइसेस लेने का, तो वो भी एक एनकरेजमेंट है उनके लिए, ठीक है। और वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब सबके ओपिनियंस लिए जाते हैं वहाँ पे, तो वो भी एक अच्छी बात है, ठीक है। और क्या, साउंड ऑर्गेनाइजेशन में और क्या करते हैं हम, कि कंटिन्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हम अपने डेवलपमेंट के लिए, जो हमारी जो जितने भी पर्सन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद हमारा फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, साउंड ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हम रिलेशनशिप डिपार्टमेंट के अंदर का रिलेशनशिप जो होता है वो हम उनको क्लियर कट बताते हैं। लाइक जैसे अभी मैंने बताया था कि वहाँ पे क्या है, किसको, जो भी पर्सन है उनको किससे डायरेक्शंस लेनी है, किसको रिपोर्ट करना है, तो वहाँ पे क्लियर कट फ्रेमवर्क, मैनेजरियल फ्रेमवर्क हमारा वहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। तो वो क्या होता है, फिर वहाँ पे हमारी कम्युनिकेशन चैनल होती है, ठीक है, एक कम्युनिकेशन चैनल हमारी फिक्स हो जाती है, जिससे कि वो कोऑर्डिनेशन हमारा दूसरे डिपार्टमेंट से। अब देखो जो मैनेजर्स हैं, तो जो ग्रुप है वो क्या करेगी, अपने काम को मैनेजर को रिपोर्ट करेगी, फिर वो सारे के सारे मैनेजर्स मिलके फिर अपने आपस में काम करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक चैनल बन जाता है कम्युनिकेशन का, कि ये लोग की बात फिर मैनेजर जाएगी, फिर मैनेजर, एक मैनेजर हर डिपार्टमेंट के मैनेजर मिलके एक बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे चैनल बन जाता है, तो किसी का किसी से डिस्प्यूट नहीं होने के चांसेस कम है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी बात हो जाएगी, और हमारी जो एक्टिविटीज़ है साथ, अलग अलग एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन भी हमारा वहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन था। तो अब हमने क्या पढ़ा कि हमारा क्या है, एक साउंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, साउंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने क्या पढ़ा कि साउंड ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, प्रिसाइज डेलीगेशन प्रोवाइड करता है, स्मूथ मैनेजमेंट हो पाती है, जिससे कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होता है, और एक इफेक्टिव लीडरशिप होती है, और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं हाईली मोरल होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी मैनेजर एफिशिएंसी बढ़ाता है, और हमारी ग्रोथ होती है, और डाइवर्सिफिकेशन भी हो पाती है, हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज होता है, क्रिएटिविटी अमंग द स्टाफ एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, क्रिएटिविटी बढ़ती है और एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को हम पूरा कर पाते हैं, ठीक है, ऐसा समझ। देन उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, कि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में एज अ सिस्टम कैसे
होगा, ठीक है। तो उससे पहले कि हम जानेंगे कि सिस्टम क्या होता है। एक सिस्टम होता है क्या, हमारा कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स होता है, जिसमें हमारी एक साथ हम बहुत सारी चीज़ों को एक होल में करके हम उसको काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम होता है। इसमें क्या होती है, हमारी हर एक पार्ट जो होती है वो सब सिस्टम्स कहलाती है, और वो एक साथ लिंक होती है और अदर लिंक होती है। तो एक सिस्टम में अगर चेंज आया तो बाकी सिस्टम्स में भी, बाकी सब सिस्टम्स में भी चेंज आएगा, ठीक है। और ये इंटरडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो यहाँ पे लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। और वहाँ पे क्या करती है, कोऑर्डिनेशन के साथ, वो पूरा एक कोऑर्डिनेशन के साथ हमारा वो सिस्टम चलता है, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा एक सिस्टम जैसा है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। अगर हम वहाँ पे जो प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है लिंक्ड है। अगर हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो हम डिस्ट्रीब्यूट भी कम ही कर पाएंगे, हम ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर हम ओवर प्रोडक्शन कर देंगे तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, सेल ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो हमारा क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो बिजनेस में भी क्या होता है, हमारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे यहाँ पे मटेरियल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, मैन पावर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मनी और फिजिकल रिसोर्सेज, जिससे कि जिसमें हम क्या कहते हैं, फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगा के हम उसको गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट करते हैं और आउटपुट फॉर्म करते हैं। और फिर वो क्या होती है, जो बिजनेस होती है वो किस चीज़ में काम करती है, हमारे जो इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल और अदर फैक्टर्स वाले एनवायरनमेंट में के अंदर वो काम करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो बिजनेस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये मैंने पहले समझा दिया कि सारे के सारे रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन करती है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, जो कि और उससे क्या करती है, प्रोड्यूस करती है सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस सिस्टम हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड इन फिगर दिस। तो ये क्या है कि हमारा जो है, पहले हमारे पास ये होता है मटेरियल, कैपिटल, इन सब का यूज़ करके क्या करती है, वो प्रोसेस करती है, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, और फिर गुड्स एंड सर्विसेज वो कहाँ भेजती है, अपने एनवायरनमेंट में भेजती है। फिर और क्या मिलता है, उसको फीडबैक मिलता है, और फिर वो एनवायरनमेंट उसको क्या करता है, वो उसके अंदर के रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है, फीडबैक और उसका एनवायरनमेंट उसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो, सारी की सारी जो ये पूरा है, सारी की सारी जो एक दूसरे से लिंक्ड है, कोई भी एक अलग अलग नहीं छपा है, मतलब अलग नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे क्या है, कनेक्टेड है। तो ये हमारा बिजनेस सिस्टम है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सिस्टम, पहला है उसमें पर्पस, कि हमारे जो बिजनेस सिस्टम का पर्पस क्या होता है। देखो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है किसी एक पर्पस से, तो बिजनेस का स्टार्टअप भी एक पर्पस से था, उसकी सर्वाइवल भी एक पर्पस से होगी, और उसकी ग्रोथ भी एक पर्पस के जरिए ही होगी। तो पर्पस हमारा रीज़न है एक बिजनेस सिस्टम के स्टार्ट होने का, ठीक है, चलने का, ठीक है। तो हर एक बिजनेस, हर एक सिस्टम का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, कि कुछ सर्टेन पर्पसेस होते हैं, उनको पूरा करना उनका गोल होता है, ठीक है। अब वो पर्पसेस क्या होते हैं, कि उनको अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो उन्हें पूरे करने होते हैं, लाइक जैसे कि उन्हें अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करना है अपने कंज्यूमर्स तक, ठीक है। उनको प्रॉफिट चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ताकि वो लॉन्ग ग्रो सर्वाइवल कर सके और ग्रोथ कर सके, ठीक है। और लोगों की मीटिंग, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना, ठीक है। और हमें कोई कोई बिजनेस लॉन्ग सर्वाइवल चाहिए होता है, ठीक है, अपना नेम फेम कराना होता है। तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के पर्पस से वो एक बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने की वजह से वो स्टार्ट करते हैं अपना बिजनेस। देन उसके बाद हमारा सेकेंड है एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट क्या होता है, कि हमारी जो बिजनेस है, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है, उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उसके बाहर जो भी सिस्टम चल रहा है, वो हमारा एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। वो बाहर है, पर देखो बाहर होके भी वो क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे बिजनेस को, सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें जो भी सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, ओपन सिस्टम होना चाहिए, और ताकि हम हमारी जो बाहर के एनवायरनमेंट है उससे अडेप्ट करके चल सके। बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं, तो हम उससे क्या करें, उनको चेंज, उनके चेंजेस आने से हम अपने आप में बिजनेस में भी, अपने बिजनेस में भी चेंज ला सके। लाइक जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी बिजनेस, टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी में हमारे रैपिड चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, थीके? उनके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे रैपिड चेंजेस होते रहते हैं, तो उनको उसी के साथ साथ अपने सिस्टम में भी, अपने सिस्टम में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एनवायरनमेंट है। देन उसके बाद हमारा बाउंड्री क्या होता है, कि हर एक सिस्टम में क्या है, एक बाउंड्री होती है, जो कि उसको सेपरेट करती है एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को इंटरनल से सेपरेट करती है। ऐसी एक बाउंड्री होती है हमारी हर एक सिस्टम में, पर बिजनेस सिस्टम में ऐसी कोई भी फिजिकल बाउंड्री या एक्चुअल बाउंड्री नहीं होती है। हम एक इमेजिन करके चलते हैं कि वो हमारी एक बाउंड्री है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में क्या है, कि हमारे जो बिजनेस के अंदर कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स वगैरह वगैरह, मशीनरी वगैरह, तो इन सब पे हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इन
चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज, ठीक है। और इसी रिसोर्सेज का यूज़ करके क्या हम करते हैं, अपना काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि हमारी जो सब सिस्टम है बिजनेस में, हमारी बहुत सारी फंक्शन हमें करने पड़ते हैं, तो सब सिस्टम बहुत सारे होते हैं, तो उस सब सिस्टम में हमारे क्या जो काम है उनमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए करते हैं, कोऑर्डिनेशन से हमारे सारे के सारे काम हो सके, सारे के सारे सब सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में चल सके, जिससे कि हमारी जो इनपुट आउटपुट में चेंज हो सके, जो कि हमारी फिनिश गुड है, ठीक है। हमारा मतलब बेसिकली ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके, हमारे सब सिस्टम के काम को कोऑर्डिनेट करते हुए चलना है, जिससे कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरी हो सके। देन उसके बाद है हमारा मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन क्या होता है, हमारी जो बिजनेस सिस्टम है उसमें हमें सबसे जरूरी है हमारा मैनेजमेंट करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट में क्या क्या हम करते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम अपने एनवायरमेंटल में, हमारी जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज हम मिल सकती है, क्या थ्रेट्स है, ठीक है, और उनको हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, तो वो हमारा मैनेजमेंट करता है। फिर अक्वायर द रिसोर्सेज, एलोकेट द रिसोर्सेज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमें रिसोर्सेज एक्वायर करनी है और उसको एलोकेट करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा प्लान एंड कंट्रोल एंड रिव्यू, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमने लोगों को काम दिए गए हैं, ग्रुप्स बनाए हैं, वो डिपार्टमेंट ग्रुप्स बनाए हैं हमने, वो चीज़ और ऑपरेशन जो हो रही है वो हमारी सही से चल रही है या नहीं, ये हमें देखना है, और कैसे चलाएंगे वो प्लानिंग भी हम पहले करते हैं, फिर उसके बाद उस पर हम देखते हैं, फिर उसको अगर वो कुछ प्लानिंग के मुताबिक नहीं हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, और फिर उस पर रिव्यू भी हमें करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्रिएटिव, ये क्या है, बिजनेस सिस्टम क्या है, हमारा क्रिएटिव है। क्यों क्रिएटिव है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सोसाइटी को जो उनको गुड्स चाहिए, जैसे गुड्स चाहिए वैसे गुड्स वो क्रिएट कर रहा है, इनपुट लेके इनपुट से उसको आउटपुट में चेंज कर रहा है और उन्हें वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस, कि जो हमारी जो बिजनेस सिस्टम होती है, हर एक सिस्टम में क्या हमने पहले पढ़ा कि हमारी सब सिस्टम वहाँ पे इंटरलिंक्ड होता है, तो अगर एक में चेंज आया है तो दूसरे में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है, उस सबको अफेक्ट करेगा, वो सारे के सारे सब सिस्टम्स को अफेक्ट करेगा, एक सब सिस्टम भी, ठीक है। देन उसके बाद हमारे डायनेम्स, कि क्या होता है कि हमारी जो बिजनेस सिस्टम क्या है, वो हमारी ओपन है, ओपन अडेप्टिव सिस्टम है, तो जो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज आता है तो उससे क्या होता है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में भी हमारा चेंज आ जाता है, चेंज लाना पड़ता है हमें, ठीक है, और ना भी लाए तो चेंज आ जाता है, ठीक है। अगर फिर हमारा क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम एफर्ट नहीं डालेंगे तो हमारा नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, एफर्ट्स डालेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा सेल्फ एडजस्टमेंट थ्रू फीडबैक, क्या होता है कि जो हमारी जो बिजनेस होती है, बिजनेस सिस्टम क्या करती है, हमारी गुड्स हमारी कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है, और फिर वो कस्टमर्स क्या करते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, और उस फीडबैक के मुताबिक वो क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, और उसको करेक्टिव मेजर्स से वो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, एडजस्ट करते हैं अपने काम को, ठीक है। देन उसके बाद हमारा पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, क्या है कि हमारी जो सिस्टम है, बिजनेस सिस्टम है, वो क्या है, हमारी एनवायरमेंटल में है, ठीक है, एनवायरमेंट से अफेक्ट होती है, एनवायरमेंट पे ही रहती है, एनवायरमेंट में सिचुएटेड है ना, तो बिजनेस एनवायरमेंट के एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, हमारी इकोनॉमिक देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, कि जो हमारा बिजनेस सिस्टम है उसमें वो क्या है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसका एक बिजनेस एनवायरनमेंट भी है, और उस बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेज, जो कि हमारे बिजनेस के बिजनेस को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या है, बिजनेस सिस्टम क्या है, हमारा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे सिस्टम का एक छोटा पार्ट है बिजनेस सिस्टम। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये एक बड़ा सा पार्ट है, पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम एक बड़ा सा पार्ट है, बिजनेस सिस्टम उसका एक छोटा पार्ट है, मतलब सब सिस्टम हुआ, ठीक है। अब सब सिस्टम हुआ तो क्या होगा कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होगा, एक अफेक्ट करेगा तो दूसरे सारे अफेक्ट करेंगे, तो वैसे ही क्या होता है कि जैसे पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, ठीक है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया तो क्या होगा, बिजनेस भी अफेक्ट करेगा, तो ये क्या हो रहा है, एक इंटरलिंक वाला सिस्टम हमारा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन ब्रीफली एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और फीचर्स उसके बताने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि क्या है, कि हम यहाँ पे एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसमें हम वर्क को, टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं, जिसको हम मैनेज कर सके, ठीक है, और फिर किस लिए करते हैं हम, ताकि एक सिंगल डायरेक्शन में सारे के सारे लोग काम कर सके और वो जो कॉमन गोल उनको अचीव कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा फोर डिफरेंट सेंसेस में ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होता है। पहला हमारा प्रोसेस, एज अ प्रोसेस यूज़ होता है, एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप यूज़ होता है, एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स यूज़ होता है, और एज अ सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस क्यों है, क्योंकि देखो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है कि एक बार कर दिया और काम खत्म हो गया, नहीं है। देखो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस लिए होती है, हमारी पीपल को, हम ह्यूमंस को लेके उसमें काम करते हैं ना, तो ह्यूमन क्या होती है, ह्यूमन हमारी किन चीज़ों से अफेक्ट हो जाती है, वो हमारे जो कंडीशन ऑफ वर्क है उससे अफेक्ट हो जाती है, उनकी कैपेबिलिटी चेंज होती रहती है, उनकी कॉम्पिटेंसी चेंज होती रहती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आने से भी वो अफेक्ट कर जाती है, तो इन चेंजेस को अफेक्ट कर
चेंजेस आने से उनको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी अडेप्ट करना पड़ेगा उन चेंजेस पे। तो इसीलिए वो प्रोसेस है जो कि होता ही रहता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप क्या क्यों है, क्यों होता है, देखो क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम पीपल पर्सन को क्या करते हैं हम वर्क डिवाइड करते हैं, उनको जॉब्स देते हैं, उनको अथॉरिटीज देते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, और उनको क्या करते हैं हम उनके मैनेजर्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स डिफाइन करते हैं, वो ग्रुप्स डिफाइन करते हैं, क्या एक्टिविटी करेंगे वो डिफाइन करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। एक मैनेजर है, उस मैनेजर के अंदर हमारे ये डिपार्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर एक सिंगल काम होगा, लाइक जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, ठीक है, वो क्या हो गया हमारा लाइन मैनेजर हो गया, ठीक है। फिर लाइन मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट का एक लाइन मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक लाइन मैनेजर है, देन हमारा अदर डिपार्टमेंट्स के हर एक डिपार्टमेंट के लाइन मैनेजर है। अब फिर वो लाइन मैनेजर वो किसको रिपोर्ट करते हैं, वो अपने अब जो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं उनसे वो रिपोर्ट करते हैं। फिर वो टॉप लेवल मैनेजर्स किससे रिपोर्ट करते हैं, हमारे CEOs वगैरह, उसमें क्या होते हैं हमारे CEOs वगैरह होते हैं, ठीक है। अब फिर वो किसको रिपोर्ट करते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ऑर्गेनाइजेशन एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन क्या है ये हमारा, ये इसमें क्या होता है कि हमारे हम पहले से बहुत पहले से पढ़ के आ चुके हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमारे पर्सन्स को हम करते हैं, ठीक है, पर्सन्स पे ही हमारा सारा काम होता है। वो पर्सन्स ही क्या कर रहे हैं, वो वर्क कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, वो किस लिए, एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, कॉमन पर्पज को पूरा करने के लिए। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पर्सन्स मिलकर वो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। देन उसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम हम ये ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, तो ये मैं नहीं समझा रही हूँ। देन उसके बाद हमारे तो फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला है हमारा आउटलाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, कि देखो हर एक बिजनेस का क्या होता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना, या फिर किसी का होता है कि गुड्स अपनी गुड्स एंड सर्विसेज अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो वो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। और उस मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाती रहती है जिससे कि वो मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा आइडेंटिफाइंग एंड इनुमेरेटिंग द एक्टिविटीज, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करना है, एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना है, तोड़ लेना है, ठीक है, जो कि हमारे क्लोजली रिलेटेड हो दूसरे एक्टिविटीज़ से, ठीक है। अब जो कि जो एक्टिविटीज़ डिवाइड की है वो क्या होगी, किसी एक इंडिविजुअल से या किसी एक डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी, वो उनको काम करना है उसमें, ठीक है। थर्ड हमारा है असाइनिंग द ड्यूटीज़, कि जो हमने एक्टिविटीज़ को ग्रुप किया था सिमिलैरिटीज़ और कॉमन पर्पसेस के बेसिस पे, उनको हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सौंप देंगे, ठीक है, और हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें अलॉट कर देंगे कि किस की क्या ड्यूटी है, उनको वो ड्यूटी दे देंगे उस डिपार्टमेंट में, उस इंडिविजुअल की क्या ड्यूटी है वो दे दी जाएगी। देन उसके बाद डिफाइनिंग एंड ग्रांटिंग द अथॉरिटी, अब जो ड्यूटी दी गई है उसमें उसको उस ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाएगी और अथॉरिटी दी जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो जो ड्यूटी दी गई है वो उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अथॉरिटी मतलब उस काम को कैसे करना है वो उसको अथॉरिटी दी जाएगी, ठीक है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी अथॉरिटी है, ये उसको डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा फिफ्थ हमारा क्रिएटिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप, कि अब जो है ड्यूटी असाइन करने के बाद हमने अथॉरिटी दे दी उसको, अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, अब उसके बाद एक रिलेशनशिप हम उसको मेंशन करेंगे कि तुम्हें किसको रिपोर्ट करनी है और तुम किसके सबॉर्डिनेट हो, ठीक है, और तुम किसके कंट्रोल के अंदर हो, ठीक है, वो ऐसे रिलेशनशिप हमें उसको बताने हैं। और वो रिलेशनशिप क्या हो सकता है, फॉर्मल रिलेशनशिप भी हो सकता है और सब इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी हो सकता है। फॉर्मल रिलेशनशिप होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो उनकी सोशल बॉन्डिंग की वजह से जो अगर रिलेशनशिप बन रहा है वो हमारा फॉर्मल रिलेशनशिप होता है, और इनफॉर्मल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको दे रही है, वो हमारा मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन हमें मैनेजर अपॉइंट कर रही है, ठीक है। अब और फॉर्मल रिलेशनशिप में क्या होता है, हम अपनी मर्जी से वो मैनेजर हम ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।